साथियों जिंदाबाद, जवाबदेही यात्रा पहुंची है प्रतापगढ़। 1 जनवरी 2022 का दिन, साल का पहला दिन, और प्रतापगढ़ में जवाब दे मांगे रे, जवाब दे मांगे रे, जवाब दे कानून पास करो। तो देखिए जवाबदेही यात्रा पहुंच गई है प्रतापगढ़। कहाँ पहुंची यात्रा? जवाबदेही यात्रा अभी प्रतापगढ़ में आई है, और प्रतापगढ़ में अभी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एक सभा करेंगे, और उसके बाद ये सभा करने के बाद वहाँ पर लोगों को जानकारी दी जाएगी। जो भी लोग आएंगे यहाँ पर, यहाँ के जो लोकल ग्रुप है डूंगरपुर के वागड़ मजदूर और ये प्रतापगढ़ के और कुछ इलाका डूंगरपुर का है, वहाँ से यहाँ पर मजदूर किसान वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर इकट्ठे होंगे, और वहाँ पर जवाबदेही कानून क्या है, जवाबदेही कानून यात्रा क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। ये पर्चे भी बांट रहे हैं, और ये जवाबदेही यात्रा 20 दिसंबर 2021 से शुरू होकर राजस्थान के अलग अलग जिलों में घूमती हुई अजमेर, जावर, नवादा, पाली, जालोर, आबू रोड, सिरोही, और सिरोही से सीधा नवादा, भिंडवाड़ा से जोधपुर, उदयपुर, कोटा, कोटा से वापस उदयपुर होते हुए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से उदयपुर से आज प्रतापगढ़ में आई है, और प्रतापगढ़ में अभी जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जवाबदेही यात्रा के सारे यात्री जो भी सभा हो रही है उस सभा को संबोधित करेंगे। शंकर सिंह जी और निखिल जी और मुकेश जी, कमल जी, नारद जी और बाकी अलग अलग जन संगठनों के साथी जो हमारे यात्रा में जुड़े हुए हैं, वो सब इस यात्रा को संबोधित करेंगे। और ये यात्रा 2 फरवरी 2022 को जयपुर में एक निश्चित कालीन दरबार करेंगे, जो कि जब तक जवाबदेही कानून राजस्थान सरकार पास नहीं करती है तब तक लंबा धरना चलाने का पूरा प्लान किया है, और ये यात्रा आज प्रतापगढ़ में आई। जवाब दे कानून बढ़ावा रे, कानून बढ़ावा रे, ने पास करावा रे, कानून बढ़ावा रे, ने पास करावा रे, जनता जवाब दे कानून बढ़ावा रे, जवाब दे।
Thank you.